हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो देखिए, सबसे पहले इसमें टू नंबर्स, तो लेट करेंगे, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो फर्स्ट कंडीशन में आपका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा और सेकंड कंडीशन में सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या कहा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी टू नंबर्स का जो डिफरेंस है वो आपका 26 है और टू नंबर के डिफरेंस को माइनस साइन लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंस मीन्स माइनस, तो टू नंबर्स है एक्स और वाई लेट की है। तो फर्स्ट कंडीशन में डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये दिया है आपका 26 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि वन नंबर मींस एक्स इज इक्वल टू, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर एक्स है और अदर नंबर आपका वाई है। ये अदर नंबर कितना है? 3 टाइम्स माने 3 का मल्टीप्लाई करना। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक्स इज इक्वल टू 3y है, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर, तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो इस एक्स के स्थान पर लिखेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y माइनस करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2। तो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, तो y इज इक्वल टू आपका 13 आ गया। यानी एक आंसर आपका ये हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस एक y की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए। x इक्वल टू 3 इंटू वाई, x इक्वल टू 3 एंड y के स्थान पर 3, तो x इक्वल टू ये 39। यानी टू नंबर्स जो लेट किए थे एक्स और वाई, तो फर्स्ट नंबर आपका 39 है और सेकंड नंबर 13 है। अब इनको जैसे चेक करते हैं, चेक कीजिए कि आंसर रॉन्ग है कि सही है, तो चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए चेक में क्या है कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26, ये है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। हालांकि मैं चेक करना पूछा नहीं, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आंसर रॉन्ग है या करेक्ट है, उसके लिए चेक कर सकते हैं। तो एक्स मीन्स 39, वाई मीन्स 39 में से 13 माइनस करेंगे तो 26 आ जाता है। इसका मतलब आंसर करेक्ट है, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड का सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम में लैंग्वेज वाले न्यूमेरिकल मोस्टली आते हैं, इसलिए करना जरूरी है। और इस लैंग्वेज वाले न्यूमेरिकल में मोस्टली जो लैंग्वेज में से इक्वेशन बनाना होता है। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिस्ट द स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई। अब इसमें एक स्मॉलर दिया है और स्मॉलर दिया है तो डेफिनेटली है, निश्चित है कि एक ग्रेटर एंगल लेना पड़ेगा। तो हमने टू एंगल्स लिए एक्स एंड वाई। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स एंगल बड़ा है वाई से, तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, सो देयरफॉर कॉल्ड इज द सप्लीमेंट्री एंगल। यानी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया। अब सेकंड कंडीशन में, सेकंड इक्वेशन, सेकंड में कहा क्या कहा गया है कि एंगल्स एक्सिस्ट द स्मॉलर, यानी स्मॉलर एंगल, देखो एक्स एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, तो स्मॉलर यानी एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स एंगल ग्रेटर देन यानी बड़ा है किससे, वाई से, तो एंगल एक्स इक्वल टू वाई, एंगल एक्स इज द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यानी स्मॉलर एंगल एक्स है और लार्ज एंगल वाई है, इससे कितना एक्स इज माने अधिक है, कितना अधिक है 18 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अब ये एक्स की वैल्यू वाई प्लस 18 है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहां एक्स के स्थान पर लिखेंगे वाई प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, वाई एंड वाई को ऐड करेंगे तो 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180, ट्रांसफर कर देंगे तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 एंड 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 माइनस करेंगे तो 162 एंड y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, 2 एट जा 16, 2 बन जा 2, तो y इज इक्वल टू आपका 81। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो देखिए सेकेंड इक्वेशन है आपका x इज इक्वल टू y प्लस 18, देन x इक्वल टू y की वैल्यू है आपकी 18 प्लस 18, तो x इक्वल टू 81 और 18 को ऐड करेंगे तो आपका 99। तो स्टूडेंट एंगल्स को हमेशा डिग्री में लिखा जाता है, तो आपका एक तो 81 डिग्री है और 99 डिग्री है, यानी x इक्वल टू 99 डिग्री एंड y इक्वल टू 81 डिग्री, यही आपको फाइंड करना था, ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम वाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800, यानी एक कोच, क्रिकेट का कोच है, वो अपनी टीम के लिए 7 बैट्स खरीदता है और 6 बॉल्स खरीदता है, कितने में, 3800 में, यानी 7 बैट्स और 6 बॉल का जो कॉस्ट है वो 3800 रुपीज है, तो अपने लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल्स बी एक्स एंड वाई, यानी 1 बैट का कॉस्ट एक्स है और 1 बॉल का कॉस्ट वाई है, तो इसमें कहा गया कि लेटर सी वाई इज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1750 रुपीज में, यानी सेकंड कंडीशन में कहा गया कि 3 बैट्स और 5 बॉल्स का जो कॉस्ट है वो 1750 रुपीज है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट्स एंड ईच बॉल्स, यानी 1 बॉल और 1 बैट का कॉस्ट आपको फाइंड करके लाना है, तो लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट्स 1 बैट्स एंड 1 बॉल्स बी एक्स एंड वाई, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि 7 बैट्स और बैट्स को क्या लिया है एक्स, एंड 5 बॉल्स बॉल्स मीन्स वाई, और इसका कॉस्ट आपको 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, कितनी बॉल, 6 बॉल का कॉस्ट कितना है 3800 रुपीज, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि 3 बैट्स मीन 3x प्लस 5 बॉल्स मीन्स 5 बाई, और इसका कॉस्ट दिया है 1750 रुपीज, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इसमें किसी भी एक इक्वेशन को लेके चलेंगे
तो मैं लेके चल रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा है 7x + 6y = 3800। तो इसको ट्रांसफर कर दो, 7x = 3800 - 6y एंड x = 3800 - 6y / 7। ये 7 डिवाइड की फॉर्म में नीचे आ जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस x की वैल्यू को ये फर्स्ट से निकालिए तो इसको सेकंड में पुट कर दीजिए। तो देखिए सेकंड में क्या लिखा है, 3, उसके बाद लिखा है x, तो x के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, 3800 - 6y / 7 + 5y = 1750। तो 3 का 3800 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई आएगा 0 0 3 8 24 का 4 carry 2 3 9 और 2 11 11400 -3 6 18y / 7 + 5y = 1750। अब इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, 7, तो 7 बन जा, 7 और 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 11400 और माइनस का 18y। अब 1 का डिवाइड 7 में करेंगे तो 7 बार और 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 = 35y = 1750। अब 11400 में से पहले तो इसको ऐसे लिख दो, 11400, अब देखिए प्लस का 30y और माइनस का 18y, प्लस का 13y और माइनस का 18y, इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी 35y में से 18y माइनस करेंगे तो ये आपका 17y प्लस का 17y / 7 = 1750। अब देखिए अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैं इसका मल्टीप्लाई यहां कर रहा हूं, वन का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना ही आ जाएगा, 1400 + 17y और 7 का 1750 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 12250। अब मैं यहाँ से ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ट्रांसफर करेंगे तो 7 17y = 12250 - 1400 1140। अब देखिए 17y = अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका 850 आ जाएगा और y = 850 / 17 17 5 = 85 तो ये y = आपका 85 आ गया। y मीन्स y लेट गया था बॉल्स का कॉस्ट, बॉल का कॉस्ट वो सॉरी हाँ बैट का x है और आपका बॉल का वाई है तो बॉल का कॉस्ट आ गया। अब जो है वाई की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो x = 3800 - 6 × y लिखा है, वाई के स्थान पर लिखेंगे 50 और / 7
एक्स इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 300 आ जाएगा। अब 300 में से अपॉन 7, 300 माइनस कर दीजिए 3800, तो 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 3500 अपॉन 7, 75 जा 35, 500, यानी एक्स इक्वल टू 500। तो एक्स मीन्स क्या है, द कॉस्ट ऑफ वन बैट एंड वन बॉल्स, तो बैट मीन्स एक्स और बॉल मीन्स वाई, तो ये आपका कॉस्ट आ गया बैट का 500 रुपीस आंसर, और बाई मीन्स ये आपका बॉल का कॉस्ट है 50 रुपीस, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।